दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। देश में आज आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और स्टार बन गए, और आज उनका नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी चलता है। दोस्तों इसी स्टार में से दो नाम आता है, जिनमें से एक है दानिश जहान का और दूसरा है रोहित जिंजुरके का। ये दोनों सोशल मीडिया स्टार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके आज पूरे देश में अपने नाम का परचम लड़ाए हुए हैं और आज इनके फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी के टाइम में रोहित जिंजुरके सोशल मीडिया के को भरते हुए सितारा है, वही दानिश जहान अपने टाइम का एक सितारा थे। सो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों लोगों में कंपैरिजन करेंगे, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इनमें से अभी के टाइम में नंबर 1 पे कौन है। सो आज के वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, आप अपने फेवरेट स्टार का नाम कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं देखूंगा कि इस वीडियो को देखने वाले किनके फैंस ज्यादा है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रोहित जिंजुरके के बारे में। सो रोहित का फुल नाम रोहित जिंजुरके है। इनका जन्म 9 अप्रैल 2000 को गुजरात के सूरत में हुआ था, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अभी इनका उम्र 21 वर्ष है। वहीं इनके एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, सो रोहित का हाईएस्ट एजुकेशन 12th है। इन्होंने 12th तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी घर की स्थिति को ठीक न देखते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई को उतना ही पर स्टॉप कर दिए और सूरत के एक स्टोर में सेल्समैन का काम करना स्टार्ट कर दिए। जब ये सेल्समैन का काम कर रहे थे, तब इनके किसी फ्रेंड ने इनको टिकटॉक के बारे में बताया, तभी से रोहित टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। शुरू में इनके वीडियो पे व्यू नहीं आते थे, फिर भी रोहित कभी हार नहीं माने और रेगुलर वीडियो बनाते रहे, और आज यही कारण है कि इनके इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन फॉलोअर्स है। तो चलिए अब बात करते हैं दानिश जहान के बारे में। सो इनका पूरा नाम दानिश जहान ही है। दानिश का जन्म 16 मार्च 1996 को कुर्ला महाराष्ट्र में हुआ था। सो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डेट ऑफ डेट तक इनका उम्र 22 वर्ष था। वही दानिश के एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो इनका हाईएस्ट एजुकेशन है ग्रेजुएट। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पूरी किए थे। दोस्तों दानिश अपने स्कूल के दिनों से ही सिंगिंग, डांसिंग और हेयर स्टाइल के काफी दीवाने थे, और इनको अपने लाइफ स्टाइल को दूसरों को दिखाना बहुत ही अच्छा लगता था। पर इनको बताने वाला कोई नहीं था कि इस दुनिया के सामने वो अपने लाइफ स्टाइल को कैसे दिखाए। पर कुछ ही समय बाद इनकी ये भी समस्या खत्म हो गई, जब इन्होंने यूट्यूब पर एक बंदे को देखा ब्लॉग बनाते हुए। दानिश ने भी उसे फॉलो करते हुए अपना एक हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला, जो लोगों को बिल्कुल पसंद ना आया। फिर भी इन्होंने कभी नहीं हार माने और रेगुलर अपने चैनल पर रैप सॉन्ग, हेयर स्टाइल रिलेटेड वीडियो और ब्लॉग वीडियो अपलोड करते रहे। तब देखते देखते इनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद दानिश को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली और ये डेली वीडियो अपलोड करते रहे। तब इनके चैनल पे कुछ ही दिनों में लाखों में सब्सक्राइबर हो गए और ये उस समय के टॉप यूट्यूबर्स में आने लगे। दोस्तों साथ ही दानिश टिकटॉक पे भी वीडियो बनाया करते थे और ये टिकटॉक के इंडिया में सबसे नंबर 1 स्टार भी थे। साथ ही आपको यही बता दूं कि MTV के शो एस ऑफ स्पेस के कार्यकर्ता भी थे। शक्ल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? आप गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है, मतलब हम गधे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर अभी के समय में नंबर 1 पे कौन है। सो दोस्तों अभी के टाइम में इन दोनों लोगों में से नंबर 1 पे दानिश जहान है। आज दानिश जहान इस दुनिया में रहते तो इनके फैन फॉलोइंग रोहित जिंजुरके के फैन फॉलोइंग से कई गुना ज्यादा रहता। सो मैं आपको बता दूं कि कभी भी किंग किंग ही रहता है। जंगल में शेर से, जंगल में शेर से, शहर में दानी से, शहर में दानी से, बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली। दोस्तों आप इन दोनों लोगों में से किनके फैन है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं देखूंगा कि इस वीडियो को देखने वाले किनके फैंस ज्यादा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।